बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हम सब खरीद। आज मैं अपने किचन में स्मूथी बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी और केले के साथ। और ये बहुत गाढ़ी सी होती है, इसको वैसे तो हम अगर इसमें बलाई ना शामिल करें तो ये मिल्कशेक बन जाएगा, अगर इसमें हम बलाई इस्तेमाल करेंगे तो ये स्मूथी बन जाएगी। तो अभी हमने इसमें जो है बलाई इस्तेमाल करनी है, तो ये स्मूथी बनाने के लिए मैंने इसमें इस्तेमाल करनी है स्ट्रॉबेरी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 अदद इतना इस्तेमाल करूँगी और 3 अदद केले इस्तेमाल करूँगी। और ये है फ्रेश क्रीम है मेरे पास, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप डिब्बे वाली जो है वो 1 प्याली सा ले सकते हैं इसमें। तो ये जो है शुगर है मेरे पास, चीनी अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर लें। मैं इसमें जो है तकरीबन 2 चम्मच इतने इस्तेमाल करूँगी। और ये कुछ मेरे पास बादाम है कूटे हुए, तो ये इसमें इस्तेमाल करेंगे। दूध जो है इसमें मैंने जो है ये आप दे सकते हैं खुला दूध है, वैसे ये खालिश है। तो ये मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी तकरीबन जो है मैं 2 ग्लास इतना ही इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो अभी इसको हम बना लेते हैं। तो ये हमने जग लिया है अभी, तो इसमें हम डाल रहे हैं स्ट्रॉबेरी। तो क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरी को थोड़ा पहले से जो है इसके पत्ते वगैरह निकाल के साफ़ कर दिया है, तो ये इसमें आप दे सकते हैं तकरीबन 1.5 प्याली देती हैं। तो ये इसमें शामिल कर देती हूँ, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। और 3 अदद केले इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये 2 चम्मच जो है मैंने डाली है इसमें चीनी। और ये मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी थी क्योंकि मोबाइल का कैमरा बंद हो गया था तो उसकी बताना भूल गई। तो ये आप देख सकते हैं इसमें बलाई मैंने डाल दी है और फ्रेश क्रीम जिसे आप बोलते हो वो मैंने डाल दिया। और ये 3 अदद केले और 2 चम्मच कर दिए। अभी इसको जो है हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं, अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो तैयार हो चुकी है, अभी हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस ग्लास में जो है इसे डिश आउट करना है। तो आप देखिए बहुत ही गाढ़ी सी स्मूथी जो है तैयार हुई है, अभी हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। बहुत यमी सी और मज़ेदार सी तैयार हुई है। अभी इसमें हम कूटे हुए जो है बादाम वो शामिल कर देते हैं, थोड़े पीसे हुए थोड़े कूटे हुए। तो ये आप देख सकते हैं बहुत